नमस्कार, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताते हैं स्वस्थ रहने की 10 अच्छी आदतें, आइए जानते हैं। दोस्तों, घर की सफाई पे खास ध्यान दें, विशेषकर रसोई और शौचालयों पर। पानी को कहीं इकट्ठा न होने दें। सिंक, वाश बेसिन आदि जैसी जगहों पर नियमित रूप से सफाई करें तथा फिनाइल फ्लोर क्लीनर आदि का उपयोग करते रहें। खाने की किसी भी वस्तु को खुला न छोड़ें। कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखें। खाना पकाने तथा खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों, फ्रिज, ओवन आदि सभी को साफ करें। कभी भी गीले बर्तनों को रैक में नहीं रखें। ताजी सब्जियों, फलों का प्रयोग करें। उपयोग में आने वाले मसाले, अनाजों तथा अन्य सामग्री का भंडारण भी सही तरीके से करें। एक्सपायरी डेट वाली वस्तुओं का खास तरीके से ध्यान रखें। यदि आप कहीं बाहर से घर में आते हैं तो हाथ पैर धो लें। खाना बनाने से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद और बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तब तो यह और भी जरूरी हो जाता है। उसे हाथ लगाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से जरूर धोएं। बहुत ज़्यादा तेल मसालों से बने गरिष्ठ भोजन का उपयोग न करें। खाने को सही तापमान पर पकाएं। ज़्यादा पकाकर सब्जियों आदि के पौष्टिक तत्वों को नष्ट न करें। खाने में सलाद, दही, दूध, दलिया, हरी सब्जियों और साबुत अनाज का प्रयोग अवश्य करें। खाना पकाने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें। सब्जियों तथा फलों को अच्छी तरह से धोकर ही प्रयोग में लाएं। अपने सोने के कमरे को साफ सुथरा, हवादार और खुला खुला रखें। चादरें, तकियों के गिलाफ तथा पर्दों को बदलते रहें तथा मैट्रेस या गद्दों को भी समय समय पर धूप दिखाकर झटकारें। मेडिटेशन, योगा या ध्यान का प्रयोग एकाग्रता बढ़ाने तथा तनाव से दूर रहने के लिए जरूर करें। कोई भी एक व्यायाम रोज जरूर करें। इसके लिए रोजाना कम से कम आधे घंटे का समय निकालें। 45 की उम्र के बाद आप रूटीन चेकअप करवाते रहें। यदि डॉक्टर आपको औषधि देता है तो उसे नियमित लें। प्रकृति के करीब रहने का समय जरूर निकालें। बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ दौड़ें और हल्के फुल्के मनोरंजन का भी समय जरूर निकालें। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।